तो अभी अपन लोग देखेंगे कि स्लोप एरोज कैसे यूज करते हैं। जैसे नाम से पता पड़ रहा है, स्लोप एरोज मतलब ये वो एरो है जो बताएगा कौन सी डायरेक्शन में स्लोप है, सही है, सिंपल एज दैट। तो मेरे पास वही छोटे छोटे तीन यहाँ पे कमरे बना रखे हैं मैंने। फर्स्ट रूफ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और फर्स्ट रूफ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो हमारे पास एडिट फुटप्रिंट वाला ऑप्शन है। अगर मैं एडिट फुटप्रिंट में जाता हूँ तो अभी तक हम लोगों ने ये बाउंड्री लाइन वाला देखा था। बाउंड्री लाइन में जाकर हम लोग स्केच कर रहे थे इतने दिनों से, दैट इज पिक वॉल कर रहे थे, पिक लाइन कर रहे थे एंड ऑल दैट, ठीक है। एक्सट्रूजन रूफ बनाया था तब हमने ये भी यूज किया था, स्टार्ट एंड रेडियस। अभी हम स्लो पैरो में जाएंगे। जैसे अपन स्लो पैरो में जाते थे हमारे पास दो चीजें होती, एक तो पिक लाइन होता है, एक सिंपल लाइन होता है। हम ज्यादातर लाइन ड्रॉ वाला ही यूज करते हैं, हम ही लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। नाउ अब चीज ये है कि आप यहां से पहले तो आप रूफ की वो देख लेना, दैट इज कौन सी रूफ बन रही है, क्योंकि ये रूफ पहले से बनी हुई है तो मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, मतलब जो भी थिकनेस की है वो रहने दे रहा हूँ। अब ध्यान रखना स्लोप एरोज ही करता है डायरेक्शन बताता, ठीक है। तो जैसे लेट से आप हमेशा ध्यान रखना आपका एरो का जो स्टार्टिंग होगा ना वो हमेशा आपकी रूफ के लाइन को टच करते हुए होना चाहिए। जैसे ये रूफ की लाइन है जो पिंक कलर की लाइन है ना, ये रूफ की हमारी क्या है जो मेन डायमेंशन लाइन है, ड्रॉन लाइन है वो है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा उससे अटैच होना चाहिए, एंड पॉइंट की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये एरो कुछ इस तरीके से जा रहा है, देखो, ठीक है। तो इसको लेट से मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, अगर मैं यहाँ की जगह बीच में भी छोड़ दूंगा ना तो भी स्लोप बन जाएगा, बट अभी फॉर स्टार्टिंग पर्पस मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे इसको ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज में ऑप्शन आ जाएंगे, दैट इज हाइट एट टेल, मतलब हाइट कहाँ मिलेगी, टेल पे मिलेगी, लेवल एट टेल, अगर कोई लेवल रखना आपको टेल पे तो वो रख सकते हो, हाइट ऑफसेट एट टेल, कोई हाइट का ऑफसेट देना तो आप वो भी दे सकते हो, लेवल एट हेड, एंड मेन जो चीज है वो ये है हाइट ऑफसेट एट हेड। यहाँ पे जो हेड है हमारा एरो का वहां पे आपको हाइट कितनी ऑफसेट मिलेगी, तो यहाँ 3000 बता रहा, मतलब यहाँ से 3000 के ऊपर पहुंच जाएगी छत, मतलब कम से कम एक लेवल पे स्लोप हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इतना अपन नहीं रखते हैं, लेट्स अपन इसको 1500 कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इस पर राइट पर क्लिक करेंगे। तो मैं जैसे राइट पर क्लिक करूंगा आप देखो उस पर क्या हो गया, एक स्लोप आ गया। शेडेड कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे, तो आप देख सकते हो इस पर आपके पास क्या आ गया, थोड़ा सा स्लोप आ गया। तो इन दिस वे यू कैन इजिली गेट इट अ स्लोप। तो यहाँ पे जीरो था तो वहां पहुंच गया 1500 पे, अगर 3000 करता मैं तो थोड़ा ऊपर पहुंच जाता, ठीक है ना। और हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। मैं फिर से एक बार हिडन लाइन कर देता हूँ, ठीक है, और मैं मेरी दूसरी फ्लैट रूफ पे आ जाता हूँ, ठीक है। सिंपल इसी पे भी हम एडिट फुटप्रिंट करेंगे, स्लोप एरोज में जाएंगे, पर इस बार मैं क्या करता हूँ दो स्लोप बनाता हूँ, ठीक है। दो स्लोप बनाने के लिए मुझे एक रेफरेंस लाइन चाहिए होगी, तो मैं बाउंड्री लाइन पे जाता हूँ और मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ और यहां से लेके मैं यहां तक एक रेफरेंस लाइन क्रिएट कर देता हूँ। सर क्यों बनाइए बताता हूँ, इसको मैं बाद में डिलीट करता हूँ, ठीक है ना। फिर मैं स्लोप एरो लेता हूँ यहां से लेके इसके लाइन के मिड पॉइंट पर, जिस पे घूमना एक ट्रायंगल आ जाएगा, दैट इज इट्स मिड पॉइंट, मैं वहां क्लिक कर दूंगा। एक स्लोप एरो यहां बन गया, ठीक है, और इसको भी मैं 1500 कर देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली आप नहीं भी करोगे तो एक बार चेक करने के लिए कर सकते हो, कुछ जो डिफॉल्ट वैल्यू बोले ना उसको सिंपल है, दूसरे एरिया को मैं यहां से यहां ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं 1500 कर देता हूँ, अप्लाई। अब देखो अगर मैं अभी राइट दबाने जाऊंगा ना तो ये काम करेगा नहीं, मैं करके बता देता हूँ। जैसे राइट क्लिक करूंगा, इट विल गिव मी एरर, लाइंस कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, द हाईलाइट लाइंस करंटली इंटरसेक्ट। तो ये जो लाइंस है ना, ये जो हाईलाइटेड लाइंस पिंक कलर की, वो इंटरसेक्ट कर रही है, क्यों, क्योंकि बीच में हमारे पास स्लोप एरोज आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और मैं बीच वाली लाइन को जाकर डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरी रेफरेंस लाइन थी इसलिए। देखो छत क्या होनी चाहिए, अभी अगर लॉजिक से अपन देखें इस कोनों पे तो जीरो होगी और बीच में उठ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसको राइट करके देखते हैं और इंडीड वैसा हो रहा है, ठीक है ना। शिफ्ट दबाते हैं, घुमाते हैं, तो देखो आप यहाँ पे जीरो है, इधर भी हमारे पास जीरो है, ठीक है, और उठ के क्या हो गया, ऊपर की तरफ 150 पे हो गया। पर इधर से उठी और किसी हाइट पे भी गई है तो ऑब्वियस है कि उसके जो एडजेसेंट अपोजिट कॉर्नर्स होंगे उनको भी उठना पड़ेगा, वरना तो वो छत का लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक ना। इन दैट केस रिवेट में वो चीज खुद ब खुद पता लगाई और इन पॉइंट्स को, एग्जिट पॉइंट्स को तो उन्होंने जीरो पे रखा, बाकी दोनों पॉइंट्स को उसने क्या किया 1500 mm पे ऊपर उठा दिया। इन दिस वे आप के साथ क्या कर सकते हो, खेल सकते हो।